सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को बालूमात प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीडीओ मनीष कुमार ने जनवितरण दुकानदारों से जहां राशन वितरण सुचारू और नियमित रूप से करने पर बल दिया, वहीं प्रखंड के सभी पंचायत मुखिया व पंचायत सेवकों से पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। कहा कि सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के कार्य किए जाने हैं, इसके लिए सभी योग्य लाभुकों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा वीडियो मनीष कुमार ने लॉकडाउन अवधि में चलाए जा रहे प्रखंड के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की प्रगति की भी जानकारी ली और विकास कार्यों में रफ्तार लाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अभी हमने अपने प्रखंड मुख्यालय में यहाँ के जन वितरण प्रणाली दुकान के विक्रेतागण, सभी मुखियागण, सभी पंचायत सचिव, आवास के स्वयंसेवक और आवास मित्रों की बैठक बुलाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो ग्रीन कार्ड बनाया जाना है उसको हम कैसे क्रियान्वित करेंगे। तो हम लोगों ने सबकी सामूहिक बैठक बुलवाई इसमें, और इस पर इस बात पर चर्चा की गई कि सरकार के द्वारा जो दी गई समय सारणी है उसके तहत हम लोग कैसे गाँवों में जाकर, सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर वैसे व्यक्ति जो राशन कार्ड की योग्यता रखते हैं और जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनसे फॉर्म को कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस बात पर चर्चा किए कि यह जितने लोग हैं हमारे जो सिस्टम है पूरे, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये लोग कैसे उन आवेदनों की जाँच करेंगे, जाँच करके जो सुयोग्य उम्मीदवार हैं उनका फॉर्म हमारे पास भेजेंगे, उसके बाद हम उसका प्रारूप प्रकाशन, हमारा जो समय दिया गया सरकार का उसमें प्रारूप प्रकाशन होगा, उसके बाद दावा और आपत्ति इस पर जो आएगी उस दावा आपत्ति की सुनवाई संबंधित मुखियागण करेंगे, और फाइनल जो फाइनल सूची का प्रकाशन होगा वो कैसे होगा। तो इसमें पूरा हमारा जो तंत्र है गाँव के स्तर पर काम करेगा, और हर एक गाँव के स्तर पर हमने कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है और सुपरवाइजर्स प्रवेशकों की प्रतिनिधि कर दी है, और हम लोग एक सामूहिक प्रयास के तहत मिलजुल कर समयबद्ध तरीके से इस कार्य को करेंगे। और मेरी आशा ही निपुण विश्वास है कि हम जो समाज के गरीब और वंचित लोग हैं उनको हरा राशन कार्ड बनाने की दिशा में अच्छा प्रयास करेंगे और सभी लोगों को हम कवर करेंगे।